उक्त मेडिकल कॉलेज में कार्यरत प्रवक्ता एवं बाल रोग विभाग के डॉक्टर कफील जो अपने विषय के मर्मज्ञ चिकित्सक हैं, उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगाकर उनको निलंबित किया गया, जिसकी जांच जब कि डॉक्टर कफील के अन्य डॉक्टरों के सहयोग से बहुत सारे बच्चों की जान बचाई थी। डॉक्टर कफील के ऊपर मिथ्या दोष लगाकर अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने और अपने विभाग के मंत्री को बचाने के लिए एक फर्जी FIR अंकित करा दी गई और उन्हें निलंबित कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने डॉक्टर कफील को जमानत देते समय यह माना कि डॉक्टर कफील खान पर मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई आधार नहीं बनता है तथा उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉक्टर कफील को 3 माह में बहाल किए जाने के निर्देश दिए, उनका अनुपालन नहीं किया गया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके अवशेष का भुगतान करने के लिए भी आदेश दिए गए, उनका भी अनुपालन न करने के आज पूरे प्रदेश के चिकित्सकों में सरकार के प्रति भारी रोष व आक्रोश प्राप्त है तथा सरकार के द्वारा चिकित्सकों का मनोबल गिराया जा रहा है। पूरे प्रदेश के चिकित्सा जगत में सरकार के प्रति भारी रोष और आक्रोश प्राप्त है। अतः जनहित के इस सुनिश्चित विषय पर हम आज सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करने की मांग करते हैं। मान्यवर।